ऐसी 100 राम प्यारी गाय खरीद सकते हैं, वो भी एक ही महीनों में। पंडित जी, हाँ, आपके मुंह में घी शक्कर। ये तो आपने पूरा झूठा ही कर दिया। पंडित जी, हाँ जी, मैं इस पैसों का माला बना रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बनाइए। सही कहते हैं, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मालिक, पंडित जी एक नंबर के लोभी आदमी है। ये गलत बात है, किसी पंडित जी के बारे में ऐसे नहीं बोलते। माफ करना मालिक, मुझसे गलती हो गई। मुझे गोदान मिल रहा है तो नौकर राम को बड़ा ईर्ष्या हो रही है। छोटे लोग छोटा सोच। पंडित जी, कुछ कहा आपने मन ही मन मेरे बारे में? कुछ नहीं, मैं मंत्र जाप कर रहा हूं मन ही मन में। चलिए अब जल्दी से गोदान का क्रिया शुरू करते हैं। हाँ हाँ पंडित जी, जल्दी से कीजिए, मुझे भी देर हो रही है, नहीं तो फिर शुभ मुहूर्त बीत जाएगा। सेठ जी, आप अब टीका लगाइए। आइए, टीका लगा दीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अब ये आप अगरबत्ती जलाइए और दिया भी जलाकर तीन फेरा लीजिए। विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलादेशादिके शरण्येकं तम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। तीन फेरा हो गया। हो जाएगा। आप ये अगरबत्ती को यहाँ पे रख दीजिए बस, और ये पूछ को पकड़िए। आइए धीरे से, गाय थोड़ा मचलती है। तीन बार पीजिए। बस हो जी। सेठ जी, आप गौ माता के सर के साथ हाथ रखकर आशीर्वाद दीजिए। अब आप मुझे ये टीका लगाकर गाय का रस्सी मेरे हाथ में दे दीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुंडरी मंगला तलो हरि। अब गाय का रस्सी आप मेरे हाथ में दे दीजिए। रामू जी, मेरे पंडित जी का गिफ्ट और दक्षिणा लेकर आओ अंदर से। ये भी ले जाइए। पंडित जी वो छोड़िए, पहले इधर आइए। टीका ले आओ।
आपका दक्षिणा और वस्त्र। अब तो बिजनेस में घाटा नहीं होगा ना? अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब आपका व्यापार में फायदा ही फायदा होगा। पंडित जी, गोदान का विधि तो अब संपूर्ण हो गया, अब ये गाय मैं मेरे नौकर रामू को दान दे रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि आपने तो सिर्फ गोदान करने को ही कहा ना, तो मैं ये गाय मेरे नौकर रामू को दान कर रहा हूँ। ये बेचारा गरीब है और इसे पाकर इसका आर्थिक संकट भी दूर हो जाएगा। क्यों, मैंने सही किया ना? ये आपने बहुत गलत काम किया है, छल किया है मेरे साथ आपने, एक पंडित का अपमान किया है। ये कैसा अपमान पंडित जी? गोदान तो सिर्फ पंडित को दिया जाता है, किसी नौकर को नहीं। जात से तो ये भी अनपढ़ ब्राह्मण पंडित का बेटा है। आपने तो ये नहीं कहा कि आपको ही देना होगा? अगर मैं एक गरीब पंडित के बेटे को ये गाय दान करके आत्मनिर्भर बनाऊं तो इसमें बुराई क्या है? ये झोला छाप अनपढ़ गवार पंडित का बेटा, जिसके बाप ने ना कभी पूजा पाठ की हो या अपने घर में पूजा पाठ करवाया हो, और आप इसकी तुलना मुझसे कर रहे हो? माफ करना पंडित जी, वैसे मैं पूरे 10,000 और वस्त्र भी दे रहा हूं दक्षिणा में। नहीं चाहिए मुझे आपका वस्त्र और दक्षिणा, आप दोनों का अब कभी भला नहीं होगा, न देने वाले का न लेने वाले का, देख लेना आप लोग। अच्छा हुआ पंडित जी आपने नहीं लिया, नहीं तो आपका भी बुरा होता। चुप कर, पंडित से जवान लड़ाता है बेवकूफ। सही कहा पंडित जी, इस दुनिया में तो समझदार और अकलमंद सिर्फ आप ही हैं। चुप करो, ऐसा नहीं कहते पंडित जी को। माफ करना मालिक, अब तुम दोनों को भगवान भी माफ नहीं करेगा, देख लेना। बापू ये देख राम प्यारी गाय लाया हूँ। अरे ये तो हल्दीराम महाजन की गाय है। बेटा ये सब क्या है, कहीं तुझे कोई लॉटरी लग गई क्या? हाँ बापू, कुछ ऐसा ही समझो, मालिक ने मुझे ये गाय गोदान में दी है और आज से इस गाय की देखरेख करने की जिम्मा आप दोनों पर रहेगी। बापू रोज सुबह 20 लीटर दूध देती है और शाम को 10 लीटर दूध देती है, यानी कि दिन में पूरे 30 लीटर दूध। बेटा तूने ये गाय नहीं कुबेर का खजाना लेके आया है, अब जल्दी से पैसे की माला उतार और झटपट पैसा गिन ले, तब तक मैं इसे हरा घास खिलाता हूँ, फिर शाम को 10 लीटर दूध निकालेंगे। रामू बेटा ये गोदान नहीं बल्कि हम सबको महा जैकपॉट मिल गया है, अब बहुत जल्द अपना भी टाइम आने वाला है अमीर बनने का। ये क्या कर रही है तुम? मैं इसे काला टीका लगा रही हूँ, नहीं तो किसी की नजर लग जाएगी तो ये दूध देना भी बंद कर देगी। हे भगवान, आज आपने कैसा अनर्थ होने दिया? गोदान हमेशा एक पंडित को दिया जाता है और आज मेरे साथ ऐसा छल हो गया और आप खामोश होकर तमाशा देखते रह गए।
रामू कहाँ है? नमस्ते पंडित जी, आइए बैठिए। नहीं नहीं, रामू कहाँ है? रामू हल्दीराम के वहाँ पर काम पे गया है। मैंने उसी दिन कहा था गोदान से पंडित को दिया जाता है, मगर मेरे साथ छल करने का नतीजा देख लिया ना, अब क्या हो गया?